इन दिस वीडियो वी आर गु डिस्कस अबाउट द जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव टॉक्ट अबाउट दसेक्चुअल रिपोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया हमने सारा डिटेल पढ़ा था तो सबसे पहले अगर हम देखे जेनेटिक रिकम्बिनेशन तो होता क्या है इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मेटीरियल बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम और जिसमें आपके पास जो ट्रीड आता है दट इज डिफरेंट फ्राम आदर पेरेंट

अच्छा माना जाता है और यहां इन इनकेस ऑफ बैक्टीरिया

हमें पता कि दैट वी कॉल्ड इट इन कॉल ये आगे डिटेल हम लोग वन बाई वन और इनको डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले अगर हम लोग कंजुकेशन की बात करें कंजुकेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था लेडर बॉगम ने, ने और इकोलाई e. बैक्टीरिया में देखा तो ये सबसे बेस्ट स्टडी है ये चीज याद रखिएगा और कंजुकेशन जो है लाइक ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फ्यूशन जो कॉमन है लाइक वाइस कंजुकेशन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सॉरी जेनेटिक रिकम्बिनेशन में सबसे कॉमन प्रोसेस है और इसमें होता क्या है इसमें जो है ना बैक्टीरिया जो है ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में या प्लास्टमेट मूव करेगा ये चीज याद रखिएगा या सेल्फ यान डीएनए या कभी कुबार आपका मेन कुछ डीएनए जो है भी मूव करता है और जब भी ये जो मूवमेंट जो है जेनेटिक एक्सचेंज दो बैक्टीरिया के बीच में विद हेल्प ऑफ स्मॉल ट्यूब हो और दैट ट्यूब ट्यूबेड एन ए कंजुकेशन ट्यूब और सेक्स पाइलस तो उसे हम क्या कहेंगे कंजुकेशन ये सिंपल डेफिनेशन जो आपका प्लास्मिड जो होता है ना दिस प्लास्मिड ये आपका वन और टू कॉपी में होता है इसका साइज की बात करें तो ये हंड्रेड किलो बेस का है और यही प्लास्मिड दैट इज वी आल्सो कॉल्ड एफ प्लास्मिड आर एफ फैक्टर ये डोनर सेल को ना क्या करता है डोनर सेल एफ प्लास्मिड के कारण एक ट्यूब बनाता है जिसे हमने ऑलरेडी कहा सेक्स पाइलस आर कंजुकेशन ट्यूब और इसी के कारण इसके माध्यम से ये यह सेल के के साथ आपका क्या होता है कांटेक्ट कर लेता है और ये जो कंजुकेशन होता है जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन मेनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में होता है इवन बैक्टीरिया और प्लांट में भी कंजुकेशन होता विद द हेल्प ऑफ कंजुकेशन ट्यूब तो ये चीज याद रखिएगा और डिपेंडिंग अपॉन द कंजुकेशन ट्यूब हमारे पास दो बैक्टीरिया है ये चीज याद रखिएगा प्लास्मेट के प्रेजेंट अगर कोई भी बैक्टीरिया जिसमें आप

बैक्टीरिया आर नूनेस फीमेल सेल रिसिपेंट सेल आर एफ नेगेटिव सेल ये तीन चीज याद रखिएगा ठीक है तो हम लोग को ये चीज आइडिया लगा फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लास्मिट जो है ना या प्लास्मिट जो है इंडिपेंडेंट

अब व्हाट इज एच एफ आर से जब आपका प्लास्मेट जो है इंटीग्रेट कर जाए जब ये देखिए ये प्लास्मेट है ये बैक्टीरिया में इंटीग्रेट कर गया देखो इस बैक्टीरिया में आपका प्लास्मेट क्या कर गया शाबाश इंटीग्रेट मिल चुका है मिल गया अगर कोई भी प्लास्मेट अगर मेन प्रोमोजोमल डीएनए के साथ अगर मिल जाए तो उस टाइम उसे हम क्या कहते हैं वी कॉल्ड इट इन ए सेल या हाई फ्रीक्वेंसी मेल सेल और सुपर मेल और कभी कुबार ये क्या होता है देखिए

थोड़ा सा डिफरेंट हो एनालमस हो मीन्स नॉर्मल ना हो उस टाइम होगा क्या नॉर्मल नी मीन्स ड्यूरिंग दी पिंच आउट अलग होते समय मेन बैक्टीरिया का डीएनए भी अगर अपने साथ ले आए ना वो प्लास्मेट उस टाइम हम इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं एफ प्राइम सेल ठीक सेल

टूब के माध्यम से ट्यूब के माध्यम से जो दो बैक्टीरिया है आपस में कम टुगेदर और इसके बाद क्या होगा डबल जो प्लास्मिड है ना इसके ऊपर एक कट लगेगी एट स्पेसिफिक पॉइंट और ये जो आपका प्लास्मिड है ये रेप्लीकेट करेगा रेप्लीकेट करने के बाद जो एक सिंगल स्टैंडर्ड जो फैक्टर ठीक है वो आपका मूव कर जाएगा नेगेटिव सेल में विद हेल्प ऑफ कंजेकेटिव टू एफ नेगेटिव सेल में और यहाँ पे दो इंजाइम है रिलैक्सोसोम और ट्रांसफेरेसोम ये दो इंजाइम इन मूवमेंट में मदद करता है आगे जाके ये जो आपका डीएनए है ना ये फिर से बिल्कुल एकदम से कुलेट ना कर जाए उससे बचाती है और जो जो है ना ये डीएनए आपका ट्रांसफेसोमेट हुआ था ये मूवमेंट में मदद करता है और अल्टीमेटली यहाँ पे जाने के बाद ये प्लास्मिड प्लास्मिकेट करके दो हो जाएंगे अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ नाउ दीज बैक्टीरिया एफ नेगेटिव सेल जिसके पास प्लास्मेट नहीं था दैट इज कंटेनिंग प्लास्मेट अब इसके ऊपर बीबी सेक्स कंजुकेशन ट्यूब बनेगा तो यहाँ पे एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में जब भी आपका जेनेटिक एक्सचेंज होती है एफ नेगेटिव सेल जो है दैट

और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा जब यहाँ पे मेटिंग होती है कंजुकेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे ये ये चीज़ याद रखिएगा जो आपका डोनर सेल जो होता ना, डोनर जो है ना वो क्या कर जाएगा प्लास्मेट को बेचता है किसके यहाँ सेल के अंदर मगर जो आपका मेन जो प्लास्मेट होता है ना वो रेयर एंड पीछे होती है आगे मेन आपका क्रोमोज एच बैक्टीरिया का मेन डी जो है ना वो मूव कर जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे ये पूरा प्लास्मिड नहीं बना पाता क्योंकि इन बिटवीन पूरा प्लास्मिड ट्रांसफर होने से पहले यहां से ये दो अलग हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है और जो आपका यहां पे डीएनए आया ना छोटा सा डीएनए आया जो बैक्टीरिया के मेन एचएफआर एफ को ना लेके मेन ये रेड कलर से शो करा है ये जो है ये होमोलोगस पेयरिंग शो करती है जिसके कारण ये रिसिपेंट सेल में आपस में इंटीग्रेट कर जाता है रिसिपिय एफ नेगेटिव सेल में अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एफ नेगेटिव व्हाट विल हैपन इफ कंजुकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एफ प्राइम और एफ नेगेटिव सेल में होगा। तो यहाँ पे होता क्या इसको सबसे पहले एडवर्ग और बांस ने डिस्कवर करा था ये चीज याद रखिएगा अब हम लोग को क्या करना है? एक एफ नेगेटिव और एक एफ पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं ये ये एफ प्राइम सेल है हम लोगों ने बताया अभी हम लोगों ने कहा कि f प्राइम सेल और f नेगेटिव सेल अगर जब इंटीग्रेट करे जब ये लोग कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू जेनेटिक एक्सचेंज करेगा तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा यही चीज देखना चाहते हैं सबसे पहले इसमें आ गया ठीक है और क्लोज में आने के बाद हम लोग को पता वट विल हैपन नाव जेनेटिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ ए ट्यूब और ये प्लास्मिक जो है ट्यूब मैंने इस साइड बनाया है वही ट्यूब में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ठीक है हमारे पास ट्यूब बन रहा And ये आपका कंजुकेशन ट्यूब बना एंड थ्रू मूवमेंट करेगा ये वाला ये इस ट्यूब के इस के माध्यम से में में अब होगा क्या As a result of this conjugation, ये जो कुछ portion है ना ये वाला portion जो है, कुछ बैक्टीरियल डीएनए का डिप्लॉयड कंडीशन बन जाएगा एंड दैट फिनोमिना विकॉलोड और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हम सेक्स डॉन आर

तो और डिटेल में इसको हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो इसमें हम लोग को है क्या चीज इसको अगर डिफाइन करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन को इट इज द ट्रांसफर ऑफ फ्री डीएनए रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू द रिसिपेंट सेल और यहाँ पे हमें कोई लिविंग डोनर सेल की जरूरत नहीं पड़ता हमें सिर्फ फ्री डीएनए चाहिए और यहाँ पे जो एनवायरमेंट में जो फ्री डीएनए जो ट्रांसफर होती है वन टू टेन किलो बेस तक आराम से ट्रांसफर हो सकती है और इस चीज को सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करा था ग्रिफिथ साहब ने उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो बैक्टीरिया के ऊपर किया था इस बैक्टीरिया के तीन नाम सेम बैक्टीरिया है दैट हैव है थ्री नेम्स यहां से देख डिप्लोकोकस ने निमोनिया दैट कॉज निमोनिया डिज इन केस ऑफ एनिमल और इस बैक्टीरिया के हमारे पास दो फॉर्म है

आपका जो डिजीज कॉज नहीं करता जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं था उनको माइस के साथ इंजेक्ट करा तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि कैप्सूल नहीं है इन्फेक्शन माइस जो है आपका लिविंग है इस टाइप में जब इन्होंने इस टाइप को वायरोलेंट वही निमोनिया का जब इस टाइप को यहाँ पे इंजेक्ट करा है किसके माइस के अंदर वह हमें पता कि ये दैट हैव अ टेंडेंसी टू कॉज डिजीज माइस जो आपका माउस सेल है वो डिजीज की वजह से डेथ कर गया फिर तीसरे में उन्होंने क्या किया जो हीट ट्रीटेड एस टाइप जो एस टाइप है ना जो इन सब को बैक्टीरिया को मार दिया बाय हीट किलिंग इन्हें बॉइल करा बॉइल करने के बाद अब कोई लिविंग नहीं बचा है। जब वो आपका नॉन लिविंग पार्ट जब इन्होंने ट्रीट कराना माइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था अब चौथे में उन्होंने क्या किया फोर्थ वाले में इन्होंने जो हीट ट्रीटेड जो हीट किल्ड एस टाइप था प्लस लिविंग आर टाइप को रखा और माइस के साथ इंजेक्ट करा इस बार इन्होंने देखा जो है माइस जो है वो डेथ कर गया अब दैट वाज एन सरप्राइजिंग फॉर हिम और उन्होंने बाद में जो डेथ माइस कर गया था उनको आइसोलेट करा कि कौन से इसमें आपका आर टाइप जो सिर्फ लिविंग गया था तो ये क्या है ड्रीजन तो वहां पे उनको ये चीज हैरानी मिली कि इस टाइप जो है ना वो लिविंग बैक्टीरियल सेल इस टाइप के भी मिल गए और वहां पे ये चीज मैं थोड़ा सा बताता चलूं आर टाइप जनरली जब बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता ये नहीं होता, नहीं नहीं कैप्सूल होता प्रेजेंट होता माय सेल को लगता है कि ये फॉरेन बॉडी है तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कर देता है जितना भी बैक्टेरिया सेल आता है इसीलिए डिजीज कॉज नहीं कर पाता इस टाइप में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेक्राइट माय सेल को लगता है कि ये मेरा अपना सेल है और उन्हें कुछ नहीं करता और थोड़े दिनों में जब आ, कुछ नहीं करता ये आपका बैक्टीरिया इतना ज्यादा फैल जाता है उसके पूरे लंग्स को खत्म कर देता है इसीलिए डर कर जाता है ये चीज याद रखिएगा

एक्चुअल में इसको प्रूफ करा था बाद में तीन ग्रेट साइंटिस्ट यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इन्होंने एक्चुअली किया क्या जो आर टाइप थे ना ग्रेफिट साहब का जो लिविंग प्लस इस टाइप का जो हीट किल्ट था उसको सबसे पहले डीएनए के साथ

इसी एस टाइप का सिर्फ डीएनए बचा हुआ प्लस आर लिविंग अब जब इसको कल्चर करने के बाद इंजेक्ट करा यहाँ पे माइस डेथ कर गया और बाद में देखा कि इसमें से जो आर टाइप है ना कुछ एस टाइप में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ये यह चीज प्रूफ हुआ कि एक्चुअली इट इज द डीएनए जो कि रिस्पॉन्सिबल है आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा और बाद में इन्होंने ये चीज भी प्रूफ करा था कि की डीएनएज ए जेनेटिक मेटीरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता तो दैट वॉज ग्रेट डिस्कवरी अब ट्रांसफॉर्मेशन का हम अगर स्टेप देखें तो एक्चुअल में होता क्या है सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सक्सेस होगा कि नहीं दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसीपिएंट सेल रिसीपिएंट सेल अगर एलिजिबल हो या कैपेबिलिटी रखता हो कि डीएनए को अपने अंदर ले ले दैट फिनोमिना वी कॉल डीएनए कॉम्पिटेंस अब जब कोई एक सा बैक्टीरियल सेल जो कंपिटेंट हो तो सबसे पहले ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डीएनए को बाइंड कर लेगा अपने सेल सरफेस के ऊपर विद हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और नेक्स्ट उनका क्या होता है यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइम में आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए ठीक है नेक्स्ट उनका काम क्या होता है जब डोनर सेल के पास मान लीजिए ए बी जीन कैपिटल ए एन बी ये यहाँ पे अपने करस्पोन्डिंग जो रीजन होता है ना उसको देख लेता और विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म मैकेस इंजाइम के माध्यम से जो करस्पोन्डिंग रीजन होता है ना फॉर एग्जाम्पल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इज द रीजन ये यहाँ से क्या कर जाता है डाइजेस्ट कर, कर जाता है और मान लीजिए लाइगेस इंजाइम के थ्रू ये जो बी इंटीग्रेट कर जाता है रिसिपियन सेल के डीएनए में और जो चीज इंटीग्रेट नहीं करा वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अल्टीमेटली आपका जो बैक्टीरिया है ना नाउ इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू ठीक है आपका वायरो मान लीजिए बी नहीं था ये कैप्सूल नहीं बना पा रहा था मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ अब इसके यहाँ कैपिटल बी है तो ये कैप्सूल बनाएगा दैट मीनस जो आपका बैक्टीरिया है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म दैट वी इट इन ए ट्रांसफॉर्मेशन तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप्स है तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो नेचुरली होती है हम बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं बाई ट्रीटिंग विद कैल्सियम और रुबिडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोपोरेशन या हीट शॉक ट्रीटमेंट के थ्रू अगर हम बैक्टीरिया को कम्पीटेंट बनाए ताकि वो डीएनए अपने अंदर ले दैट फिन वी कॉल आर्टिफिशियल कम्पीटेंट उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं और यहाँ पे डी आर सर्टेन सर्टन एग्जाम्पल स्टेप न्यूमोनिया डीज आर द फ्यू एक्साम्पल विच शो ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे एक चीज ये याद रखिएगा जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो कंजुकेशन के थ्रू होती है दट आर टेम्पर वाइल जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होती है थर्ड जो प्रोसेस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन में दैट इज दसडक्शन और हमें पता की ट्रांसडक्शन में जो आपका जी टी ओ वन बैक्टीरिया डोनर सेल से जो रिसिपियंट सेल में जो डीएनए ट्रांसफर होती है that takes place with the help of तो अगर इसको डिफाइन करें तो ये एक ऐसा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होती है दैट टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ वायरस वी कॉल्ड इट इन ए बैक्टीरियोफाज इसको फॉर द फर्स्ट टाइम ज़ेंडर और लेडर बग ने साल्मोनेला टाइफीमीरियम में डिस्कवर करा था और इसमें होता क्या है जो आपका वायरस जो है ना बैक्टीरियोफाज कुछ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए को आपका ले लेता है फिर अल्टीमेटली वो बैक्टीरियो नेक्स्ट टाइम दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता ना उस टाइम वो जो बैक्टीरियल डीएनए है, उसको ट्रांसफर कर देती है उसका मैकेनिज्म नीचे हम लोग और देखते हैं और यहाँ पे उस बैक्टीरियोफेज फैच को हम क्या कहते हैं ट्रांसड्यूसिंग फैच हम लोगों ने ऑलरेडी जो आ, का जो का डिटेल डिटेल पूरा मैकेनिज्म देखा हुआ लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से देख लीजिएगा और एस एक्चुअल का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डिफरेंट टाइप वहां से देख लीजिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस वी हैव टू टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन दैट वी कॉल द फर्स्ट वन हमारे पास है दैट इज द दर्नलाइज ट्रांसक्शन जर्नलाइज ट्रांजेक्शन में होता क्या जनरली जर्नलाइज ट्रांजेक्शन में जो आपका बैक्टीरियो फाच होता ना जो बैक्टीरिया के ऊपर आटा है, इट फॉलो द लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है और हमें पता है कि लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया जो आपका वायरस आफ्टर एंट्री जो डीएनए दैट विल ियल डी एन ए डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपने कम्पोनेट्स बनाते हैं अपने डी एन एस बनाते हैं अल्टीमेटली फॉर्मेशन लास्ट में असेंबली होती है वायरल के बहुत सारे वायरस आपका बनने लगता है और वायरस जब बनता है उनकी असम्बली होती है हर पार्ट अलग अलग से बनती है और लास्ट में जुटती है इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां बैक्टेरियो फार्स्ट में देख लीजिएगा और यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा ब्लैक से नहीं है देखिए ट्रांसपेरेंट जैसे आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे वायरस अपना डी एन ए इन साइड हेड में पार्ट में ना लेके इस लीजिए ये वाला जो वायरस है ना ये बैक्टीरियल डी को ले रहा अपने अंदर और आने वाले दिनों में जब ये नए किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करेगा वहां पे जो डीएनए इंसर्ट होगी वो वायरस का डीएनए नहीं होगा बल्कि जो बैक्टीरिया जिसको पहले इफेक्ट कर रहा था इनफेक्ट कर रहा था उसका डीएनए होगा नाउ ये जो डीएनए ना इंस्टेड आपका बैक्टीरियल डीएनए है ये इंटीग्रेट कर जाएगा और ये जो इंटीग्रेट करने के बाद नाउ इट बिकम्स कंपोनेंट ऑफ मेन बैक्टीरियल क्रोमोजोम इस बैक्टीरिया का क्रोमोजोम का पार्ट बना दैट मीन जेनेटिकली यहाँ पे क्या हुआ मॉडिफाई हुआ जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस और आने वाले दिनों में ये जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा तो सारे जो चीजें हैं ना वो आपका किसके थ्रू होगा सारे बैक्टीरिया में ये वाले जीन नए जीन जो दूसरा बैक्टीरिया का था वो आपका प्रेजेंट रहेगा और हम लोग को ये जर्नलाइज में क्या बोला जो बैक्टीरिया आपका वायरस जो है ना दैट विल फॉलो दी लाइटिक साइकिल

वायर बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच रहता जब तक वहाँ पे एनवायरमेंट स्टेबल होता जब अन वहाँ पे अनस्टेबल हो एनवायरमेंट जो है वो फेवरेबल ना हो उस टाइम ये वायरल डीएनए जो है ना हम इसको इरेडिएशन के थ्रू अलग करा सकते हैं जब ये अलग होती है तो मान लीजिए ये जो वायरल डीएनए जो इंटीग्रेट करा था वो आपके किसके जीन को ले आ रहा है बैक्टीरियल जीन को अपने साथ ले आ रहा है फॉर एग्जाम्पल हमें पता कि ये लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा और जितने भी डीएनए बनेंगे ना उन सब में गॉल जीन होगा और नए जो बैक्टीरियोफाज बनेंगे इसका वायरल का डीएनए प्लस आपके बैक्टीरिया के कुछ पार्ट ऑफ जीन इन्होंने उठाया है और नेक्स्ट टाइम ये जो आपके वायरस दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा

और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो स्टूडेंट कारगिल यूनिवर्सिटी लद्दाख के बाहर के स्टूडेंट हैं अगर उनकी कोई क्वारी हो तो यहां इस ईमेल आई डी पे डी आर आई एच एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप अपनी क्वारी लिख सकते हैं थैंक यू